आज मैं आपको बताने वाला हूं पाइवट टेबल के 3 हैक्स, जिसे सुनके आप भी बोलेंगे। अगर आपको ये फिल्टर आइटम आपको अलग अलग पेज पे चाहिए, आपको मैनुअल करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल करना क्या है, पाइवट टेबल एनालाइज में आके यहाँ पे ऑप्शन में आके यहाँ पे करना है शो फिल्टर रिपोर्ट पेजेस। आप देखेंगे जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं रीजन क्लिक कर दूंगा और ये सारे मेरे पेजेस जितने भी थे चारों डिपार्टमेंट के, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, अलग अलग पेज पे दे देगा। आपको यहाँ पे मैनुअल फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है डिपार्टमेंट के अंदर। आपको करना क्या है, सिंपल जो भी आपको डिपार्टमेंट फिल्टर चाहिए तो आप करेंगे क्या, सिंपल जैसे मुझे एचआर और मार्केटिंग चाहिए तो मैं दोनों को सेट कर लूंगा कंट्रोल दबा के, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से फिल्टर में आएंगे और फिल्टर में क्लिक करते ही कीप ओनली क्लिक आइटम कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 आइटम आपकी फिल्टर आउट हो गई। पाइवट टेबल से हम एजिंग भी निकाल सकते हैं। आपको करना क्या है, यहाँ पे डेट निकाल लेनी है और डेट का टुडे से डिफरेंस निकाल लेना है। जैसे ही आप इस डेट वाले फीचर को यहाँ पे पाइवट टेबल पे डालेंगे, आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ग्रुप पे आना है, ग्रुप में आने के बाद यहाँ पे स्टार्टिंग कर देना है। अगर आपको 0 to 180 डेज की एजिंग चाहिए तो आपको करना क्या है, इन दोनों को चेकबॉक्स हटा देना है, यहाँ पे सिंपल 180 करना है और by 30 कर देना है। तो जैसे ही आप by 30 करेंगे तो आपकी यहाँ पे एजिंग बनके 2 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगी। ये है पाइवट टेबल के 3 हैक्स।